देखिए मेरे पास TVS कंपनी का अपाचे RTR बाइक है, और इस बाइक में आप देखिए जैसे हम किक को दबा रहे हैं, देखिए बिल्कुल भी इस बाइक के अंदर कंप्रेसर नहीं है। तब आप लोग सोच रहे हैं बाइक का हेड लीक कर गया है या फिर बाइक का टैपिट टेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमने बाइक का टैपिट भी प्रॉपर चेकअप किया, टैपिट अभी प्रॉपर सही है, फिर भी बाइक का कंप्रेसर डाउन आ रहा है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जब आपके बाइक में कंप्रेसर डाउन रहेगा तो बाइक स्टार्टिंग भी नहीं होगा, और आपको बाइक जब स्टार्ट कीजिए किक से तो काफ़ी किक दबाने के बाद बाइक स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट भी आते रहता है, पेट्रोल भी रहता है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो बाइक में स्पार्क प्लग तक सही रहता है, फिर भी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है। उसी के जगह देखिए किक से हम कितना भी किक को दबाएंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो सेल्फ से दबाते हैं तो काफ़ी लंबा समय सेल्फ दबाने के बाद देखिए अब जाकर बाइक स्टार्ट होता है। ऐसा हो रहा है कि बाइक में कंप्रेसर का प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले अगर बाइक में कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ जाए, आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, तो उस टाइम आप बाइक को धक्का दे करके स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपके पास प्लग रिंच है तो इस प्लग को यहाँ से देखिए फाइनली ओपन कर लेना। इस स्पार्क प्लग को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पार्क प्लग को ओपन कर सकते हैं। इस ट्रिक आप यूज अपने घर पर भी प्रॉपर करके एक बार चेकअप कर सकते हैं। अगर आपके बाइक में कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ रहा है तो इससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा बाइक के अंदर। स्पार्क प्लग को हमने ओपन कर रहे हैं। YouTube चैनल बाइक पॉइंट खजौली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्पार्क प्लग को हमने ओपन कर दिए हैं। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल। अगर आपके पास नया इंजन ऑयल नहीं तो पुराना वाला इंजन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, अगर नया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इंजेक्शन लेना है, ये हर किसी के घर में अवेलेबल है, 5 ml का, 10 ml का, जो भी इंजेक्शन आपके पास निडिल सिरिंज है तो सिरिंज को आपको लेने के बाद इसके अंदर से निडिल को बाहर निकाल देना है, फिर उसमें आपको थोड़ा इंजन ऑयल को खींच लेना है। देखिए इस तरह से, अगर आपके पास ऑयल पंप है तो कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद इस तरह से आपको थोड़ा इंजन ऑयल को इस स्पार्क प्लग में आपको डाल देना है। देखिए हमने यहाँ पे लिए है बिल्कुल 10 ml से भी कम लिया, 5 ml समथिंग होगा, और इसको इंजन के अंदर आपको थोड़ा डाल देना है। अगर जिस बैग में कंप्रेसर का प्रॉब्लम उस बैग में आपको थोड़ा इंजन ऑयल डाल देना है प्लग के अंदर। उसके बाद क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, आपको किक वगैरह को बिल्कुल नहीं दबा, किक दबाइएगा तो इंजन ऑयल बाहर निकल जाएगा, इसलिए आपको बाइक का किक बिल्कुल नहीं दबाना है। थोड़ा ही इंजन ऑयल डालिएगा, ज़्यादा इंजन ऑयल नहीं डालिएगा। थोड़ा इंजन ऑयल डालने के बाद स्पार्क प्लग को टाइट कर देना, जिस तरह से हम बतला रहे हैं उस ट्रिक का आप यूज कीजिएगा। इंजन ऑयल डालने के बाद किक को बिल्कुल नहीं दबाइएगा, और न ही आप ज़्यादा इंजन ऑयल डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा मात्रा में डालिएगा। हेड और ब्लॉक के अंदर जो ब्लास्ट होता है उस टाइम जब इसके अंदर कार्बन जमता है, तो कई बार क्या होता है कार्बन जो है हमारे कार्बन आकर के जम जाता है, उस टाइम क्या होता है बल्ब कट जाता है, तो हेड का भी काम करवाना पड़ता है, हेड को ग्राइंडिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हेड का काम नहीं करवा करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा इंजन ऑयल डाल दिए हैं। अब स्पार्क प्लग को हम फटाफट यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। देखिए हमने स्पार्क प्लग को टाइट कर लिया, अडेप्टर को भी यहाँ पर प्रॉपर सेटिंग कर दी। अब देखिए यहाँ बाइक को किक को हम दबा रहे हैं। अब देखिए बाइक के अंदर आ गया कंप्रेशन। कभी कभी कार्बन जमने के प्रॉब्लम से हेड जो है हमारा लीक कर जाता है, इसके प्रॉब्लम से बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे कंप्रेसर भी आ गया। अब चलिए बाइक को हम यहाँ से स्टार्ट करें। अब देखिए बाइक एक किक में ही स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वाइट स्मोक दे रहा है, धुआं दे रहा है। धुआं इसलिए दे रहा है कि बाइक जो स्टार्ट हुआ है तो हेड के अंदर थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाले हैं। कुछ देर चलने के बाद 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद बाइक का वाइट स्मोक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर आपके बाइक में भी कंप्रेसर का प्रॉब्लम, चाहे आपके पास हीरो का बाइक है, TVS का बाइक है, या फिर MI का बाइक है, जो भी कंपनी का बाइक है, इस ट्रिक का आप यूज करके कंप्रेसर से सोल्यूशन पा सकते हैं। अगर ये ट्रिक फॉलो करने के बाद भी आपका कंप्रेसर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है, उस टाइम आपको हेड का काम करवाना पड़ेगा। टैपिट ग्लव सेटिंग रहेगा तो भी कंप्रेसर नहीं आया, तो टैपिट किस तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, और खुद बाइक को टैपिट को सेटिंग कर सकते हैं।